डीडी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। चाय किसानों की बड़ी उपलब्धि, देश के चाय निर्यात में 23.79% की वृद्धि। पहली छमाही में चाय का निर्यात 14.45 करोड़ किलोग्राम रहा, जो पिछले साल की समान अवधि से 23.79% है अधिक। कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही है योगी सरकार, 23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे किसान। डबल इंजन सरकार अन्नदाता किसानों के लिए चला रही है अनेक योजनाएं। 10,000 से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर आवेदन के लिए शुरू हुई बुकिंग प्रक्रिया। हरियाणा के गुरुग्राम में 13 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक सरस आजीविका मेले का आयोजन। मेले का मकसद ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद बेचने के लिए मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना है। उत्तर प्रदेश के भदोही में 47वां इंडिया कारपेट एक्सपो 2024 का आयोजन। एक्सपो में 65 देशों के 500 से ज्यादा खरीदार और 200 निर्यातक होंगे शामिल। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का 5 किलो निशुल्क राशन मुहैया करवाने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर लोगों ने सरकार का किया धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लोगों के लिए हो रही है मददगार साबित। और खबरें विस्तार से। इस वर्ष जनवरी से जुलाई के बीच देश में चाय के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। पहली छमाही में चाय का निर्यात 14.45 करोड़ किलोग्राम रहा, जो पिछले साल की समान अवधि से 23.79% अधिक है। और डबल इंजन सरकार अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किसानों के हित में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों को राज्य की सरकार कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही है, जिसके लिए किसान 23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार का मकसद हमेशा किसानों का चहुमुखी विकास रहा है। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य की सरकार कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रही है। किसानों को इसके लिए 23 अक्टूबर तक आवेदन करना होगा। राज्य में 10,000 से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर अब आवेदन के लिए बुकिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसान यंत्रों के क्रय पर अनुदान प्राप्त करने के लिए www.agriculture.up.gov.in लिंक पर आवेदन कर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए 2500 रुपये की बुकिंग धनराशि देनी होगी। 10,000 से 1,00,000 तक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग के लिए धनराशि 2500 रुपये होगी, जबकि 1,00,000 से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए ये राशि 5,000 रुपये होगी। किसानों को आवेदन के समय ही यंत्रवार निर्धारित बुकिंग धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। ई लॉटरी में चयनित न होने वाले किसानों को बुकिंग धनराशि वापस कर दी जाएगी। ई लॉटरी व्यवस्था में लक्ष्य के अनुरूप चयनित किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या के अतिरिक्त लक्ष्य का 50% तक क्रमवार प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। लाभार्थियों के चयन एवं बुकिंग टोकन कन्फर्म होने की तिथि से कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद, यंत्रों की फोटो व सीरियल नंबर तथा संबंधित अभिलेख अपलोड करने के लिए 30 दिन व कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग व फार्म मशीनरी बैंक के लिए अधिकतम 45 दिन का समय मिलेगा। निर्धारित मानक के यंत्रों को उपाय यंत्र tracking.in पर पंजीकृत यंत्र निर्माताओं द्वारा पोर्टल पर अपलोड इन्वेंट्री में से किसी से भी क्रय कर सकेंगे। ई लॉटरी हेतु स्थल
तिथि एवं समय की जानकारी आवेदकों को संबंधित जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सहयोग से 13 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सरस आजीविका मेले का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरस मेलों का मकसद ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद बेचने के लिए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना है। गुरुग्राम में सरस आजीविका मेले का 13 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में 30 राज्यों की 900 से अधिक ग्रामीण महिला हस्तशिल्पी भाग लेंगी। सरस मेलों का मकसद ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद बेचने के लिए मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना है। जो सरस आजीविका मेला है उसमें वोकल फॉर लोकल, जिसको प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जिसको वो जहाँ पर होते हैं, जहाँ उनके उद्घोषण होते हैं, उसमें बात करते हैं कि हम कैसे लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ें, अपनी मिट्टी से जोड़ें और लोग समझें कि जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी दीदियाँ ला रही हैं, वो लोकली मेड होती हैं, वही दीदियाँ यहाँ पर आती हैं, तो न केवल हम एक ही केवल आत्मनिर्भरता की बात करते हैं बल्कि उनको और सुदृढ़ और सक्षम बनाने की और एंटरप्रेन्योरशिप की और महिला सशक्तिकरण ले जाने की तरफ बात करती हैं। सरस मेले को लेकर लखपति दीदी काफी खुश नजर आईं। उनका कहना है कि मेलों के जरिए आम महिलाओं को काफी कुछ सीखने को मिलता है और स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाओं को उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की सही कीमत भी मिल जाती है। पहले हम घर में काम करा करते थे तो हमने कोई हमें इतना नहीं जानता था। जब से पीएम मोदी जी ने हमारे समूह की, हमारे डिस्ट्रिक्ट की और हमारे गांव की, हमारे जो काम है उसकी चर्चा की है, उसके बाद में हमारी पहचान और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इससे महिलाओं को और भी ज़्यादा खुशी है कि मोदी जी तक हमारा जो मैसेज है वो पहुँच गया है और इससे बहनें और भी जुड़ने की कोशिश में हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए NRLM की तरफ से जो पहल की जा रही है, महिलाओं को जो भी परेशानी होती है उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं NRLM की तरफ से कि कैसे आपको ब्रांडिंग करनी है, कैसे आपको अपना प्रोडक्ट बनाना है, वो ट्रेनिंग दी जाती है NRLM की तरफ से। और हर गांव में जहां भी ये ग्रुप खुले हुए हैं, SHG ग्रुप खुले हुए हैं, वहां पर ट्रेनिंग मिलती है। जो भी महिलाएँ अपना काम करना चाहती हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है। इस बार गुरुग्राम में नॉर्थ ईस्ट पवेलियन भी स्थापित किया गया है ताकि पूर्वोत्तर के राज्यों को प्राथमिकता दी जा सके और हर राज्य को प्राथमिकता देने के लिए राज्यवार पवेलियन बनाए जाएंगे। नई दिल्ली से उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, DD न्यूज। कपड़ा मंत्रालय के सहयोग से कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश के भदोही में 47वें इंडिया कारपेट एक्सपो 2024 का 4 दिवसीय आयोजन 15 अक्टूबर से होगा, जिसमें 65 देशों के 500 से अधिक खरीदार आएंगे। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष कुलदीप वातल ने बताया कि इस मेले में 200 निर्यातक भाग लेंगे। भदोही के कालीन निर्यातक इम्तियाज अहमद ने कहा है कि इस मेले को लेकर वर्ष भर नई डिजाइन, कलर और पैटर्न बनाए जाते हैं। से लोग आ रहे हैं, 467 बायर्स ने रजिस्टर किया है जिसमें से 222 बायर्स की कंफर्मेशन आ गई है और वो उनकी आइटनरी भी आए, तो इसका मतलब वो तो कन्फर्म दिया। और उसके अलावा जिन्होंने आइटनरी अपनी भेजी है और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है वो कितने लोग आते हैं, वो 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, उसका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। दिल्ली में ये तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला लगने जा रहा है और जिसके लिए बहुत व्यापक तैयारी चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण मेला होता है, इसमें बहुत सारे देशों से और लगभग 300-400 बाहर आते हैं और ये जो हम लोग यहाँ सैंपल बना के डिस्प्ले करते हैं इसमें काफ़ी अच्छे हम लोग को ऑर्डर मिलते हैं जो कि साल भर, जिससे कि हमारा व्यापार चलता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है। योजना के आगे बढ़ने पर लोगों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति पर 5 किलो निःशुल्क राशन मिल रहा है, जो गरीबों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। इस योजना के बढ़ने पर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया।
राशन वितरित होता है वो हम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि जिसके पास खेती पाती नहीं है उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहता है। हम लोग श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं और उनसे यही कामना करते हैं कि हम लोगों के लिए ऐसी योजनाएं चलाते रहें। गरीबों का यही फायदा हो रहा है कि गल्ला मिल रहा है, हम लोग पा रहे हैं खाने के लिए, मोदी जी के नाम से मिलता है हम लोग को गल्ला। जिस गरीबों के पास खेत पात नहीं था वो बहुत खुश हैं, हर चीज़ गल्ला मिलता रहेगा। मोदी जी गल्ला बढ़ा दिया सन 2028 तक, हम लोग मोदी जी को धन्यवाद कहते हैं। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था मात्र 10 वर्षों में 13 गुना बढ़ गई है, जिसका श्रेय लगभग 6000 जैव स्टार्टअप के संपन्न तंत्र को जाता है। छठे CII फार्मा एवं लाइफ साइंसेज शिखर सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस गति को बनाए रखने के लिए उद्योग को अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना जारी रखना चाहिए, युवा उद्यमियों का समर्थन करना चाहिए और एक मजबूत स्टार्टअप तंत्र को बढ़ावा देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री भारत के सस्ते उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं के केंद्र के रूप में उभरने की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि औषधि उत्पादन में अब हम मात्रा के हिसाब से तीसरे स्थान पर और कीमत के हिसाब से 14वें स्थान पर हैं। विश्व में मरीजों द्वारा ली जाने वाली हर 3 टैबलेट में से 1 का निर्माण भारत में होता है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया पहल सक्रिय फार्मास्यूटिकल घटक API के आयात पर हमारी निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। PLI योजना जैसी पहल के कारण भारत 2030 तक बायो फार्मास्यूटिकल, बायो मैन्युफैक्चरिंग और जीवन विज्ञान में वैश्विक नेता बनने की दिशा में अग्रसर है। बात करते हैं अमरूद की खेती की। अमरूद एक ऐसा फल है जिसकी मांग साल भर बनी रहती है, ऐसे में किसान अमरूद की नई किस्म अर्कापूर्णा की खेती करके बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। देश में किसानों के चहुमुखी विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ऐसे में कृषि वैज्ञानिक भी फूल सब्जियों और फलों के लिए रोज नए नए आविष्कार करके किसानों की पैदावार को बढ़ाने और गुणवत्ता को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फल की जिसे हर उम्र के लोग बेहद स्वाद के साथ खाते हैं। जी हाँ, ये फल है अमरूद, जो हर किसी को पसंद आता है। साथ ही ये कोई आम फल नहीं बल्कि एनर्जी फ्रूट है। अच्छे और ताज़े अमरूद की कीमत बाजारों में हमेशा 60 से 80 रुपये किलो होती है। ऐसे में अगर किसान अमरूद की खेती करते हैं तो अच्छी कमाई कर सकते हैं, लेकिन अमरूद की खेती करने के लिए उसकी उन्नत किस्मों का चयन करना किसानों के लिए कठिन काम है, क्योंकि अगर किसान अच्छी किस्मों की खेती नहीं करते हैं तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में आज हम आपको अमरूद की एक नई किस्म की जानकारी देंगे जो बम्पर उपज देगी, साथ ही इस किस्म के फल ज्यादा दिनों तक खराब भी नहीं होंगे। कृषि वैज्ञानिकों ने अमरूद की नई किस्म अर्कापूर्णा की खोज की है। इस किस्म की अमरूद की खेती न केवल बम्पर उपज देती है बल्कि इसकी खेती के लिए मध्यम से उच्च घनत्व वाला रोपण उपयुक्त होता है। इसके फल गोल और बड़े आकार के यानी 200 से 250 ग्राम के होते हैं, साथ ही इस किस्म का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा इस किस्म के फल लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं, साथ ही ये किस्म आयात निर्यात में भी जल्दी खराब नहीं होती है। अमरूद एक ऐसी फसल है जिसकी खेती किसी भी तरह के वातावरण में की जा सकती है। इसकी खेती किसी भी तरह की मिट्टी में की जा सकती है। इसे 5 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक के तापमान में उगाया जा सकता है, इसलिए किसान पूरे भारत में इसकी खेती कर सकते हैं। अमरूद की खेती एक बार शुरू करने पर कई सालों तक मुनाफा मिलता रहता है। वहीं अमरूद की बागवानी करने से पहले खेतों में 8 फीट पर गड्ढा बना लेना चाहिए और उस गड्ढे में सड़ा हुआ गोबर और अन्य जैविक खाद डालकर पौधों को लगाना चाहिए। किसान अमरूद की खेती के समय कुछ बातों का ध्यान रखकर फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। अमरूद की खेती करते समय ये ध्यान दें कि पौधों को हमेशा एक पंक्ति में 8 फीट की दूरी पर ही लगाएं। इससे पौधों को पर्याप्त मात्रा में हवा, पानी और धूप मिलती है, जिससे फसल का ग्रोथ अच्छा होता है। वहीं 2 पंक्तियों के बीच 10 से 12 फीट की दूरी भी होनी चाहिए। ऐसे में आपके पौधे के ऊपर कीटनाशकों का छिड़काव करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, साथ ही फल की तुड़ाई करना भी आसान हो जाएगा। ऐसा करने से 1 एकड़ में अमरूद के करीब 100 पौधे लग सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। जम्मू कश्मीर में सेब यहाँ के लोगों की आर्थिक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है।
सेब की तरक्की यहाँ के लोगों की तरक्की है, लेकिन क्या सेब इस बार चुनावी मुद्दा है? क्या सेब के आधार पर यहाँ के लोग अपने उम्मीदवार का चयन करेंगे? देखते हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार की जम्मू कश्मीर से ये खास रिपोर्ट। देश में 85% सेब पैदा कर जीडीपी में अहम योगदान देने वाले जम्मू कश्मीर के 7 लाख से ज्यादा बागवानों को घाटी के राजनेताओं ने आज तक सेब की तरह ही सुर्ख सपने दिखाए हैं। हकीकत में दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सेब उगाने वाले किसानों के लिए जमीन पर आज भी समस्याओं के पहाड़ हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ सेब के लिए ग्रेडिंग मशीन, एंटी हेलनेट गन, खराब गुणवत्ता की दवाएं, मंडीकरण, मूल्य संवर्धन का ढांचा न होना और वायरस वाली पौधे। इसके अलावा भी बागवानों की कई समस्याएं हैं जो चुनावी मुद्दा तो बनती है लेकिन खत्म नहीं होती। हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक जबरदस्त जो नेचुरल क्लाइमेटी आई जिसकी वजह से वो ओले गिरे, एक तूफान आया, इसमें टिविन डिस्ट्रिक्ट कुलगाम और शुपियां के 80 विलेजेस इसमें बुरी तरह इफेक्ट हुए। एक तो इस साल का सेब वो पूरी तरह डैमेज हो गया, दूसरा कि एप्पल ट्रीज प्लांट जो है इनको भी डैमेज हो गया। हम चाहते हैं कि सरकार जो है, जो आने वाली हमारी सरकार बनेगी, किसी भी दल की बने, हमारे यहाँ पे जो ये एप्पल प्रोडक्शन है इसको आप सिक्योर कीजिए, सेफ कीजिए। हम गुजारिश करते हैं जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी हमारे जो इस इशू है, जो हमारे इस पर खर्चा आता है, इसके लिए जो किसान के जो हमें केसीसी होता है ये हमें माफ हो जाए। यहाँ पे चूंकि इलेक्शन का माहौल है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की, किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान, मैं हूँ AI कृष और आज हम गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात में तैयार धान, मक्का और बाजरे की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान इन दिनों मूंगफली की खुदाई भी कर सकते हैं। गुजरात में सब्जियों के खेतों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के सतपुड़ा के पठार क्षेत्र में टमाटर और मटर के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। महाराष्ट्र के कोंकण में सुबह के समय अगेती धान की कटाई जारी रखें। कटाई के बाद फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने की जरूरत है। वहीं मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तैयार सोयाबीन, बाजरा और मक्का की कटाई का काम करें। यहां के किसान तैयार मूंगफली की खुदाई भी करते रहे। मराठवाड़ा में कुसुम की बुवाई का काम करें। यहाँ के किसान उन्नत किस्म के चने की बुवाई भी कर सकते हैं। पश्चिमी विदर्भ में सोयाबीन, मक्का और हरे चारे की कटाई करें। पश्चिमी विदर्भ में कुसुम, सूरजमुखी और कपास की बुवाई का काम करें। आंध्र प्रदेश में रब्बी की मक्का बोएं। वहीं उत्तरी तेलंगाना में चने और मूंगफली की बुवाई करें। तमिलनाडु के किसानों को सलाह कि धान के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। मक्का, काली मिर्च और हाल फिलहाल में लगाए गए पौधों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। हल्दी की नई फसल में भी पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। केले के पौधों को सहारा देने का काम करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें।
पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें, ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और अब जानते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के माल्य अर्पण करने जाने को लेकर सत्ता पक्ष का आरोप है कि अखिलेश यादव इस पर राजनीति कर रहे हैं। वहीं भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी जेपी के आदर्शों को भूल चुकी है। दिल्ली में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और महाराष्ट्र सरकार के बीच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल उपस्थित रहे। महादेव सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी के अनुरोध पर जारी इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के तहत ये कार्रवाई की गई। इंटरपोल द्वारा इस मामले की औपचारिक तौर पर जानकारी को सीबीआई और ईडी के साथ साझा किया गया। आर्जिकल रेप और मर्डर मामले को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की घेराबंदी बढ़ती जा रही है। अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने भी युवा डॉक्टरों के भूख हड़ताल से बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को अल्टीमेटम दिया। भारतीय मेडिकल एसोसिएशन ने भूख हड़ताल पर बैठे युवा डॉक्टर्स के समर्थन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। IMA ने युवा डॉक्टर्स की मांगों को जायज ठहराते हुए अपना पूर्ण समर्थन दिया और उन्हें हर आवश्यक सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। महाराष्ट्र में गुरुवार को ही कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों में राज्य सरकार ने OBC के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए उत्पादन सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। अगर नॉन क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई जाती है तो OBC समुदाय को काफी फायदा होगा। महानवमी के शुभ अवसर पर केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के माता नैना देवी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सारा संसार मां के आशीर्वाद से मंगलमय रहे और प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में मदद करे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां का आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदीय नवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में पूजा अर्चना और कन्या पूजन किया। CM धामी ने परिवार के साथ पूजा कर मां का आशीर्वाद लिया। महानवमी के अवसर पर अयोध्या के मां बड़ी देवकाली मंदिर में पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे और मां का आशीर्वाद लिया। शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसी क्रम में दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में आरती की गई। श्रद्धालु बड़ी संख्या में झंडेवालान मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान लोगों ने रतन टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बड़ी संख्या में लोग रतन टाटा की फोटो लेकर गंगा आरती में पहुंचे। लोगों ने रतन टाटा को याद करते हुए दिए जलाए और प्रार्थना की। झारखंड के रांची के दुर्गाबाड़ी में शारदीय नवरात्रि की महानवमी के पर्व पर पूजा अर्चना की गई। यहां बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने मां का आशीर्वाद लिया।
केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 1,78,173 करोड़ रुपए का टैक्स ट्रांसफर जारी किया है। इसमें अक्टूबर 2024 में देय नियमित किस्त के अलावा 89,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम किस्त भी शामिल है। इस हस्तांतरण का उद्देश्य राज्यों को आगामी त्योहारी अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय में मदद करना और उनके विकास और कल्याण गतिविधियों में तेजी लाना है। उत्तर प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत आज से 31 अक्टूबर तक दस्तक अभियान चलेगा। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया सहित तमाम संचारी रोगों से बचाव और जागरूकता के लिए इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर बुखार के मरीजों की जानकारी लेंगी। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।